Well, news that we are breaking to you. Mera Naam's Alok Singh speaks to Delhi Environment Minister Gopal Rai on the contentious issue of pollution plaguing the national capital. Let's listen into what he said. ट्रांसपोर्ट के हिसाब से सरकार ने क्या किया ताकि पोल्यूशन कम हो सके? नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए जैसा मैंने कहा कि आज से सीएम मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है, हम रेड लाइट कैंपेन जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि जो रेड लाइट पे फ्यूल बर्निंग से जो पोल्यूशन पैदा होता है वो 15-20% है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ही एक महाअभियान शुरू कर रहे हैं। ये महाअभियान जो आपने शुरू किया वो अभी शुरू कर रहे हैं, अगर हम पहले शुरू करते तो शायद आपको लगता है कुछ और कम हो सकता था पोल्यूशन, क्योंकि ये तो काफ़ी साल से चलता चला है। नहीं, पहले से भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि 25% पोल्यूशन लेवल पहले से कम हुआ। अच्छा। तो बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे जो नए नए जो इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं उसको भी लागू करते जा रहे हैं। यही लगाई गई थी जिसमें बताया गया था कि बसेस जो है खरीदनी है दिल्ली सरकार को, लेकिन पूछा गया कि कितनी बसेस खरीदी, बताया गया कि 6 साल में एक भी बस नहीं खरीदी गई, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, 1500 बसें तो लगभग आ चुकी हैं, नई बसें आई हैं नई बसें आकर फ्लीट में, मतलब कितनी बार तो मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, किसने बता दिया कि एक बस नहीं? अच्छा, एक और चीज़ बताइए सर, ओपन जो है वेस्ट जो है ओपन में ही फेंका जा रहा है और आपने कई बार बोला है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि ओपन में ना फेंका जाए, लेकिन अभी फेंका जाता है, उसके लिए क्या किया सर? नहीं, उसके लिए जैसा अभी नाइट पेट्रोलिंग के लिए ऑर्डर दिया गया है और फिर भी अगर कोई कर रहा है तो कार्रवाई करेंगे। एक और चीज़ बता, लास्ट सवाल पूछा, जो मैकेनिकल स्वीपिंग की सरकार ने बात की थी दिल्ली सरकार ने वो होगी, लेकिन अभी भी हमको सड़कों पे कहीं भी मैकेनिकल स्वीपिंग नहीं दिखाई देती, लोग अपना झाड़ू लेकर के मैनुअल स्वीपिंग ही करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अभी अब ग्रैप लागू हुआ है तो इसके बाद से अभी सभी एमसीडीज को भी डायरेक्शन दिया गया है कि इसको जो है तेज कर दें।